अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है संडे और लगाई हुई है मैंने मशीन। संडे मीन्स लेडीज़ का मशीन डे, क्योंकि पूरे हफ्ते के कपड़े नहीं होते मेरे। मैं अल्टरनेट डेज़ पर इन्हें वॉश करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतने जमा हो जाते हैं सर्दियाँ होने की वजह से, तो कुछ ज़्यादा जमा हो जाते हैं। मशीन से फारिग होने के बाद जी मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैं गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि नाश्ता का आगाज़ इसी चीज़ से होता है। हमारे घर में स्पेशली पराठे ही खाए जाते हैं, तो इसलिए आटा ज़रूरी था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने आटा गूँधा। और जब तक आटा गूँध रहा था साथ ही मैंने बच्चों के फीटर वगैरह भी बॉयल कर लिए थे। बच्चों का दूध भी आ गया था तो वो भी यहाँ पर मैंने साथ ही बॉयल कर लिया है। और जी अभी दूध भी नहीं बॉयल हुआ और आटा वगैरह गूँधा जा चुका है, और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और जब तक भी जी देर दूध वगैरह बॉयल हुआ है, तो मेरे फादर इन लॉ जागे थे, इसलिए उन्हें शुगर पेशेंट है, ज़्यादा भूख लगती है, तो मैंने उनके लिए पहले ही नाश्ता बना दिया था। अभी मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी तो बच्चे भी जाग गए थे, तो मैंने कहा अभी इनके बाबा सो रहे हैं, उनका वेट करने तक बच्चों को काफ़ी भूख लग जाएगी। तो फिर जी यहाँ पे मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए और बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बना लिया था, ताकि ये लोग नाश्ता वगैरह कर लें और मुझे तंग ना करें। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता जी, जिस दिन मदर घर पे हो उस दिन ये बच्चे बिल्कुल भी किसी के पास नहीं जाते। और ख़ास तौर पे मेरा बेटा आदिल, इसे तो सिर्फ जी छुट्टी वाले दिन माँ चाहिए होती है, कुछ भी हो जाए इसने यही कहना है कि मैंने मम्मा के पास रहना है, मैंने मम्मा के पास ही रहना है। अभी थोड़ी देर तक किचन में आ जाएंगे। मैंने कहा भी था इन्हें बाहर सर्दी, आप लोग कमरे में रहो, मैं वहीं पर नाश्ता लाती हूँ, पर नहीं, ये फ़ौरन बाहर आए हैं और ममा को तंग करने ये किचन में आ गए हैं। पेड़े करने के बाद अगर उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, इसलिए जब तक पेड़े थोड़े से नरम होंगे तब तक ये रात का कुछ लेफ़्ट ओवर सालन है, मैं इसको गर्म कर लूँगी और साथ चाय हो जाएगी, तो यही बच्चों को मैं नाश्ता करवा दूँगी और मेरे फादर इन लोग भी यही खा लेंगे। मैंने इसको बाहर भेजा, ये फिर किचन में आ गया है। मैं अभी कह भी रही थी इसे शूज़ वगैरह पहन के आओ, लेकिन ये नहीं जी, मैंने यहीं पर रहना है। चूल्हे की तरफ बार बार आ रहा था, तो मैंने कहा इससे अच्छा ये यहाँ पर कोई नुकसान करे, मैं इसे खुद ही कमरे में छोड़ आती हूँ, क्योंकि ऑयल वगैरह का काम हो रहा था, तो मैंने कहा कोई बच्चों पे छींटे ना आए। एक दफ़ा इसी तरह कुकिंग करते हुए मेरी बेटी हाथ जला चुकी है, तो तब से मैं बहुत एहतियात करती हूँ कि जब ये काम हो रहा हो किचन में ऑयल का, तो बच्चे ना आए किचन में आए। सर्दियों में ये क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं, तो यहाँ पे गरम गरम पराठे को मैं चाय के साथ बना रही हूँ। जिसने जो नाश्ता करना था उसे वो नाश्ता सर्व किया है। बच्चे वगैरह अंडे का कह रहे थे, उन लोगों को अंडे वगैरह बना दिए। और यहाँ सबसे पहले मैं अपने फ़ादर इन लोगों को नीचे वाले पोर्शन में नाश्ता देने जा रही हूँ। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद मैंने बच्चों के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि संडे है, सेल्फ़ केयर भी करनी है और बच्चों को भी तैयार करना है। पानी जब तक गर्म हो रहा था तब तक मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर मेरा क्लीन हो चुका है। तो काइंडली आप लोग वीडियो पूरी देखा करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की। और यहाँ पे पूरा घर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जी हम लोग जाकर बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले आए थे, और दोपहर का खाना मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही थी, तो हमने कहा चलें जब तक खाना बनता है बच्चों के लिए कुछ फ्रूट ले आते हैं, और बच्चे यहाँ फ्रूट इंजॉय कर रहे हैं। दोपहर का खाना मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था, इसलिए मैंने उसकी वीडियो वगैरह या कुछ भी क्लिप्स ऐड नहीं किए। मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करी है। तो यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल वाले चावल बने हुए थे, तो मैंने शाम में इन्हीं को गर्म कर लिया और साथ बच्चों के लिए कुछ फ्राइज़ बना लिए। फ्राइज़ के लिए मैंने उसे कहा था मुझे बड़े आलू देना, और जी देखे उन्होंने इस तरह के आलू दिए। फिर मैंने कहा चलें बच्चों को गोल वाली चिप्स ही बना देती हूँ। बच्चों ने इस चीज़ को भी बहुत एंजॉय किया था। वो कह रहे थे ये किस तरह के चिप्स हैं। मेरी बेटी कहती मम्मा ये तो हमने लेज़ घर में ही बना लिए। फिर जी यहाँ पर सारे चिप्स तैयार हो गए थे, तो उनके ऊपर मैं चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। बच्चों को आप थोड़ी थोड़ी मिर्च देते रहा करें, ताकि उन लोगों को आदत हो मिर्चें खाने की। और यहाँ पर जी इनसे ज़रा भी वेट नहीं हो रहा था, और ये किचन में ही खाने लग गए थे। फिर मैंने कहा आप लोग कमरे में जाके बैठो, और यहाँ मेरी बेटी कह रही है मम्मा थैंक यू, बहुत मज़े की चिप्स बनी हुई है। वीक में 1 से 2 बार मेरी कोशिश होती है मैं इन्हें घर पर ही फ्राइज़ बना दूं, क्योंकि बाज़ारी खाने से अच्छा है ये घर की ही चीज़ों को एंजॉय करें। और फिर जी ये कल मैंने नाश्ते के लिए कुछ आलू वगैरह का बॉयल कर लिए थे, मैंने कहा था चावल है नाश्ते में काम आ जाएंगे ये। तो बस जी फिर मैंने उसके बाद किचन वगैरह क्लीन कर लिया था, जिस तरह कि मैं आम रूटीन में अपना किचन क्लीन करती हूँ, सोने से पहले सारे बर्तन वगैरह वॉश करके और किचन को अच्छी तरह से वॉश करके सिंक वगैरह सब कुछ मैंने वॉश कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जी सब किचन अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। नीचे से किचन भी वॉश हो गया है, सारी स्लैब वगैरह भी साफ़ हो गई हैं। अब जी मैं थोड़ी सी करूँगी सेल्फ़ केयर, और वो मैं अपनी किस तरह से करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ अपनी किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी सब काम ख़त्म हो चुके हैं। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आज मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।